भूतिया हवेली का राजा। एक बार की बात है, गांव के किनारे एक विशाल और पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस हवेली में कई साल पहले एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहा करता था, लेकिन एक रात पूरा परिवार अचानक गायब हो गया और हवेली में रहस्यमय घटनाएं घटने लगी। तभी से कोई उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं करता था। विजय, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों को केवल मनगढ़ंत बातें मानता था। वह साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह उस भूतिया हवेली में एक रात बिताए तो वे उसे इनाम देंगे। विजय ने इस चुनौती को हंसते हुए स्वीकार कर लिया। उसके दोस्तों ने उसे खूब डराया, पर वह मजाक उड़ाते हुए कहता, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। रात का समय हो चला था। विजय अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड का एहसास हुआ, जैसे आसपास की हवा ही बदल गई हो। हवेली के पास पहुंचना जितना आसान लगा था उतना अंदर जाना नहीं था। दरवाजा जंग खा चुका था और उसकी चरमराहट पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। विजय ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वह धीरे धीरे खुला। अंदर घना अंधेरा था और हवेली की दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। जैसे ही विजय अंदर घुसा, उसके पैर के नीचे से एक पुरानी लकड़ी छटकने की आवाज आई। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसकी हरकतों को देख रहा हो। उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के हर कोने में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। फर्श पर बिखरे हुए पुराने सामान और टूटे फूटे फर्नीचर देखकर लग रहा था कि जैसे यहां कभी खुशहाल जीवन था, लेकिन अब यह जगह सिर्फ बर्बादी का गवाह बन चुकी थी। विजय ने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई तो उसे एक सीढ़ी दिखाई दी जो ऊपर की ओर जा रही थी। उसे दोस्तों की बातें याद आईं। सुनने में आता था कि ऊपर वाले कमरे में जमींदार का परिवार रहता था और वहीं सबसे ज्यादा अजीब घटनाएं होती थीं। विजय ने सीढ़ियों पर कदम रखा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराने लगी, मानो वे गिरने वाली हों। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसे एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर झंग लगी चेन लटकी हुई थी, पर दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने दरवाजे को और धकेला और वह धीरे से खुल गया। कमरे में घना अंधेरा था। अचानक उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ और उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। अब वह केवल अपने मोबाइल की हल्की रोशनी के सहारे था। कमरे के अंदर उसने देखा कि एक पुरानी अलमारी थी जिसके दरवाजे में से धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाते हुए उसने अलमारी का दरवाजा खोला और वहां एक बूढ़ी औरत का साया दिखा। वह औरत रो रही थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह विजय की ओर देखते हुए बोली, तू यहां क्यों आया है? यह हवेली तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। विजय ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ने लगे। उस बूढ़ी औरत का साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली के अंदर तेज हवाओं की आवाज आने लगी। वह साया अब विजय के करीब आ चुका था और उसने विजय के कंधे पर अपना ठंडा हाथ रखा। विजय ने डर के मारे जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। उसकी पूरी ताकत चुक गई थी। बूढ़ी औरत ने उसके कान में धीरे से कहा, यह हवेली तेरा आखिरी ठिकाना बन जाएगी, जैसे बाकी सबका बना। विजय ने पूरी ताकत लगाकर उस कमरे से भागने की कोशिश की। वह किसी तरह नीचे भागा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, वह सीढ़ियां गायब हो गईं। अब हवेली का फर्श टूटने लगा और उसके नीचे एक काली खाई प्रकट हो गई। विजय का शरीर थर थर कांप रहा था। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैर के नीचे से खिसक रही है। विजय ने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, मुझे जाने दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। विजय ने अपनी आंखें खोली तो खुद को हवेली के बाहर पाया। उसके दोस्तों ने उसे घेर रखा था और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वह पसीने में डूबा हुआ था और उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जब वह उठा तो उसने देखा कि उसका मोबाइल वहीं पड़ा था और उसमें उसकी रात की रिकॉर्डिंग थी। दोस्तों ने उससे पूछा कि अंदर क्या हुआ, लेकिन विजय चुप रहा। उसने बस इतना कहा, उस हवेली के अंदर जो देखा वो कोई नहीं समझ पाएगा। गांव में आज भी लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। कई साल बीत गए, लेकिन विजय ने फिर कभी उस रात के बारे में किसी से बात नहीं की। कहते हैं कि उस रात हवेली में जो हुआ वह राज हमेशा के लिए दफन हो गया, जैसे बाकी लोग जो हवेली में गए थे और कभी लौटे नहीं।
अगर आपको यह भूतिया कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और डरावनी और रोमांचक कहानियों के लिए घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।